नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे Redmi Note 5 के 15 ऑप्शन फीचर्स और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने Redmi Note 5 लिया है तो मैं आज इस वीडियो में ऐसे कुछ बहुत टॉप हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, और ये जो टिप्स है आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। बस ये वीडियो आखिर तक देख लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो सबसे पहले जो टिप्स है, आप अपने डिस्प्ले पर रैम का जो भी मेमोरी स्टेटस है आसानी से दिखा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फीड मेमोरी अगर क्लीन करते हो तो यहाँ पर आपको मेमोरी का स्टेटस नहीं दिखाई देता। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर प्रेस होल्ड करके रखना है और बाद में यहाँ पर सेटिंग में आना है। तो आपको मोर सेटिंग में क्लिक कर देना। मोर सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है शो मेमोरी स्टेटस, तो आपको शो मेमोरी स्टेटस को इनेबल कर देना है। फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर रैम को फीड क्लीन कर दे तो यहाँ पर आपको दिखाई सकता है कि रैम की मेमोरी स्टेटस आपको दिखाई दे रही है, कितनी रैम बची है और कितनी फ्री है और कितने हमने यूज़ किए। तो ये थी रैम की स्टेटस दिखाने वाली सबसे पहले टिप्स। दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स है जो कैमरे के बारे में। अगर हम कैमरा ओपन कर दे तो आपको यह दिखाई दे रहा हो कि कुछ सारे ऑप्शन आपके यहाँ मिल जाते हैं, जैसे कि पैनोरमा, टाइमर से ऑडियो है, और यहाँ ब्यूटीफाई है 4.0 का। यहाँ पर आप ब्यूटीफाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं फोटो खींचने के लिए। वहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड स्टैम्प, ऐड एज, आपके फ़ोटो पर आप स्टैम्प लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर रेजोल्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कैमरा का अगर डिटेल में आपको चाहिए तो मैंने स्पेशल वीडियो बना कर रखी है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कैमरा का। तो चलिए, नेक्स्ट टिप आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको जो मोबाइल की स्क्रीन है आपको 18:9 है तो उसको आप 16:9 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो स्क्रीन है फुल है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो में। अगर आपको कुछ रिकॉर्ड कर देना है 16:9 में तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग में, उसके बाद आपको जाना है सिंपल एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में आने के बाद यह ऑप्शन रहते हैं बटन्स एंड गेस्चर। तो यहाँ बटन एंड गेस्चर पर शॉर्टकट आने पर आपको यह देख सकते हैं फुल स्क्रीन मोड का जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फुल स्क्रीन मोड पर आने के बाद आपको यहाँ डिसेबल कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने क्रोम को क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। तो क्रोम मेरे को 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो क्रोम का पेज है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में दिखाई दे रहा है। तो बाद में आप उसको फिर से सेटिंग में जाकर 18:9 में भी मोड पर कर सकते हैं। तो आपको जाना है फिर से और इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा क्रोम का जो भी पेज है फुल पेज हो चुका है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो में। तो दोस्तों, आगे का जो भी टिप्स है मैं आपको यह बता दे रहा हूँ कि ये जो नेविगेशन बटन है सॉफ्ट बटन, इसको आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है एडवांस सेटिंग में, उसके बाद जाना है फिर से बटन्स एंड गेस्चर शॉर्टकट में, और यह ऑप्शन होता है हाइड सॉफ्ट बटन्स। तो क्या करना है, ये बटन्स आपको हाइड कर देना है। हाइड कर जाने के बाद आपको जो भी मोबाइल का जो भी लुक है वो स्मार्ट लुक हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से। और आपको क्या करना है, प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर खींचना है, फिर यहाँ से वो सॉफ्ट बटन आ जाएगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नीचे उसको खींच सकते हैं या फिर उसको प्रेस करके ऊपर इस तरह से ले सकते हैं, और आप पर नेविगेशन बटन से सॉफ्ट बटन आसानी से दिख जाएंगे। दोस्तों, आगे का जो भी टिप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट और फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, इस फोन में क्विक वॉल का भी फीचर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्विक वॉल का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, क्विक वॉल पर इनेबल कर देता हूँ, और इनेबल कर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपको सिलेक्ट शॉर्टकट चाहिए, जो भी आपको क्विक वॉल में दिखाई देने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक वॉल के जो भी ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल हो चुके। तो अगर मैं कुछ स्क्रीन शॉट लेना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं आसानी से क्विक वॉल से स्क्रीन शॉट ले सकता हूँ। जैसे कि मैं आप दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्रोम का जो भी पेज है, तो इसको पेज को मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। और एक एडवांस बात ये कि आप स्क्रीनशॉट पर भी फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आता है स्क्रॉल का। तो मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, स्क्रॉल पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर जाएगा। तो आपको जितना स्क्रीनशॉट लेना है फुल पेज का यहाँ से आप ले सकते हैं, बाद में उस पर डन कर सकते हैं, और जितना आपको पेज चाहिए पूरा का पूरा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फुल स्क्रीनशॉट। दोस्तों, इस फोन में एक एडवांस फीचर है, इसमें वन हैंड मोड भी अवेलेबल है। तो वन हैंड मोड से आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना है एडवांस सेटिंग में, और एडवांस सेटिंग में जो भी वन हैंड मोड है उसको आपको क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ कुछ ऑप्शन रहता है 3.5 इंच का, 4 इंच का और 4.5 इंच का, जो भी आपको स्क्रीन का जो साइज है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 इंच का सिलेक्ट कर देता हूँ, सिंपल बीच में प्रेस करके साइड में खींचना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा 4 इंच का स्क्रीन था,
मैं अपने 4 इंच की स्क्रीन पर ही काम कर देता हूँ। तो बाहर आना तो आप साइड में क्लिक करके बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्क्रीन का साइज अगर चाहते तो छोटा भी रख सकते हैं अपने मोबाइल में। दोस्तों हमारे आगे की जो भी टिप्स है बहुत ही फायदेमंद होने वाले। दोस्तों इस मोबाइल में एक बहुत ही ज़बरदस्त फायदेमंद वाला फीचर है। इस मोबाइल में आपको कुछ एडवांस में प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिलते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस मोबाइल में आपको पहले से ही इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल है। यहाँ से आप उसका साइज और रिजोल्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, और उसके बाद वीडियो की क्वालिटी आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल्स में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर और एन कंपास का जो भी इनबिल्ट पहले से आपको एप्लीकेशन मिलते हैं। तो दोस्तों आगे का जो भी टिप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, वाईफाई असिस्टेंट। तो वाईफाई असिस्टेंट को आप यहाँ से अगर इनेबल कर देते तो आपको जो भी गुड सिग्नल स्ट्रेंथ वाला वाईफाई है आसानी से आपको ऊपर मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल वाईफाई असिस्टेंट को आपको क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, जो भी वाईफाई होगा गुड सिग्नल स्ट्रेंथ वाला वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो आपको क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो भी सुपर फास्ट स्पीड वाला वाईफाई है आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टिप जो है हमारी लॉक स्क्रीन के बारे में, आप सिंपल डबल टैप करके आपका जो भी मोबाइल है अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले सेटिंग में जाना है, और आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि डबल टैप स्क्रीन टू अनलॉक, तो आपको क्या कर देना है, उसको इनेबल कर देना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंपल डबल टैप करके अपना जो मोबाइल है अनलॉक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डबल टैप करके आसानी से अपना जो मोबाइल है अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो भी टिप्स है वो नेटवर्क स्पीड के बारे में है। तो आप आसानी से अपने मोबाइल के टॉप साइड में नेटवर्क का स्पीड दिखाई दे सकते हैं। तो इसके लिए जाना है आपको सेटिंग में, उसके बाद आपको जाना है नोटिफिकेशन स्टेटस बार में, फिर यहाँ से एक ऑप्शन है शो कनेक्शन स्पीड, उसको क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। तो शो कनेक्शन स्पीड आपको इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल के टॉप साइड पर जो भी आपका नेटवर्क का स्पीड है, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कितना kbps आपका जो भी स्पीड है मोबाइल पर वो आ रहा है। दोस्तों इस Redmi Note 5 में एक इनबिल्ट फीचर है ऐप लॉक का। अगर आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ऐप लॉक का, तो जो इनबिल्ट फीचर है इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उस पर आप क्या कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं। तो आसानी से जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए उसको सिलेक्ट कर दीजिए, और जो भी आपको लॉक डालना है उस एप्लीकेशन को आसानी से लॉक यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इसका अच्छा फायदा ये है कि आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टिप्स है, यहाँ पर Redmi Note 5 में इनबिल्ट आपको कुछ थीम्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, वो भी थीम्स आप यहाँ से आसानी से फ्री में ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे थीम्स यहाँ पर स्टॉक में है, तो आप आसानी से इनबिल्ट यहाँ पर थीम्स Redmi Note 5 से अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप Redmi Note 5 में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आप पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आप आसानी से कितने भी स्क्रीन पर आसानी से काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, ऊपर मैंने WhatsApp लगा दिया और बाद में मैं कुछ भी स्क्रीन यहाँ पर लगा दे सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसे में ऊपर WhatsApp चला सकता हूँ, नीचे मेरा जो भी ब्राउज़र है वहाँ से मैं ब्राउज़र भी काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी Redmi Note 5 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हिडन फीचर्स ऑप्शन फीचर्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और मिलते कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।